वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसे ऊजेनेसिस भी कहा जाता है, जिसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है जो एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। और ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, इसमें कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, इसका डिविजन कैसा है और इसके एंड में कितने ओवम हमें मिलते हैं वो देखेंगे। और हम लास्ट में इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे ओवम का, और इसके अंदर कौन सी लेयर्स होती है, और फर्टिलाइजेशन के अंदर कैसे ओवम के अंदर रिएक्ट करता है, और कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और बाइंडिंग होती है स्पर्म की। तो स्टूडेंट्स, फीमेल के बॉडी के अंदर बर्थ के वक्त ही ओवम प्रेजेंट होता है, और ये 1 से 2 मिलियन की संख्या में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। और ये बढ़ता नहीं, ये एक स्टेज में अरेस्ट होता है। तो जब हम ऊजेनेसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेज में ये अरेस्ट हुआ है। तो स्टूडेंट, चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ऊजेनेसिस का ब्यूटीफुल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ऊजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर ओगोनियम इन्वॉल्व होता है, और ओगोनियम एक स्टेम सेल है, ये एक प्रोजेनेटर सेल है, और इसी से पूरे सेल फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये इसे जर्म सेल भी कहा जाता है। और आप सबको पता है कि हमारे बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं, तो उसमें सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और जब जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर स्टेम सेल होते हैं और वहां पर मियोसिस होता है। तो स्टूडेंट्स, उसी तरह से मियोसिस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है यूजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो ओगोनियम हमारा एक स्टेम सेल है, और ओगोनियम डिवाइड होता है, और डिवीजन आपको पता है ये सबसे पहले बनता है प्राइमरी ऊ साइट में, और ऊ साइट के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है ऊ साइटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? ऊ साइटोजेनेसिस, इसे ऊसाइटोजेनेसिस कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये यहां तक का पूरा प्राइमरी ऊसाइट फॉर्मेशन का प्रोसेस कहां हो रहा है आपको पता है स्टूडेंट्स? ये पूरा हो रहा है 5th मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर। ऊजेनेसिस का पहला फेज स्टूडेंट्स फिटस जब मैच्योर होता रहता है तभी हो जाता है, और ये फेज 5th मंथ की प्रेगनेंसी में होता है। और फिर ये जो प्राइमरी ऊसाइट फॉर्मेशन है वो फिटस के अंदर होता है, और फिटस जब बाहर आता है वो मैच्योर होता है, वो बड़े होते हैं, जैसे फीमेल मैच्योर होती है प्यूबर्टी तक पहुंचती है, तो उसके बाद सेकेंडरी ऊसाइटोजेनेसिस का प्रोसेस फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म होता है, यानी कि प्राइमरी ऊसाइट फिटस के अंदर होता है ये प्रोसेस ऊजेनेसिस का, और ये वहां पर अरेस्ट हुआ होता है। और ये कौन सी फेज में अरेस्ट होता है स्टूडेंट? ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट होता है, प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हुआ होता है हमारा प्राइमरी ऊसाइट। और जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज पर पहुंचती है एक फीमेल, तो स्टूडेंट्स तब सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म होता है, और सेकेंडरी ऊसाइट फॉर्म होता है मियोसिस 1 के प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से स्टूडेंट? मियोसिस 1 यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, और मियोसिस 1 का प्रोसेस सेकेंडरी ऊसाइट को डिवीजन में मदद करता है, और फिर दूसरे सेल्स बनते हैं, और फिर मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होता है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट, ये होता है प्यूबर्टी की स्टेज पर। कब होता है? प्यूबर्टी की स्टेज पर, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 प्यूबर्टी के बाद होते हैं। प्राइमरी ऊसाइट डिवाइड होता है सेकेंडरी ऊसाइट में, और यहां पर हमें मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल, हम इसे ओवम अभी तक नहीं कहेंगे, हम इसे सेल कह रहे हैं स्टूडेंट। और सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं है कि हमें 4 हैप्लॉइड स्पर्म मिलेंगे। जेनेसिस बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इसके अंदर जो ओवम फॉर्म होता है स्टूडेंट वो बहुत ही सेंसिटिव और यूनिक होता है। और इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कैसा होता है स्टूडेंट कि लार्ज अमाउंट में स्पर्म बनता है, वैसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ हमें पूरे ऊजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमें 4 ओवम मिलेंगे, पर ऐसा नहीं होता। हमें सिर्फ 1 ओवम मिलता है, 1 ओवम वी गेट, एक ही ओवम मिलता है, एक हैप्लॉइड ओवम मिलता है। और बाकी के जो ये 3 आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है पोलर बॉडी, और पोलर बॉडीज का क्या रोल है वो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब देखेंगे, और फिर ओवम का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि इसके क्या रोल है। जो पोलर बॉडीज यहाँ पर 3 पोलर बॉडी फॉर्म हुए है स्टूडेंट, उसका भी रोल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं इस ब्यूटीफुल डायग्राम की मदद से स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर की सेल आप ओवम को सराउंडेड देख रहे होंगे,
उसे फॉलिकुलर सेल कहा जाता है, और फॉलिकुलर सेल का एक अलग नाम है उसे कोरोना रेडिएटा भी कहा जाता है। क्या? कोरोना रेडिएटा भी कहा जाता है। ये एक बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और फिर जैसे कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एक ओवम के स्ट्रक्चर के अंदर कि ये लेयर बनी होती है, पहली लेयर जो होती है वो है जोना पिलुसिडा। ये तीन लेयर होती है ZP1, ZP2, ZP3, ऐसी तीन लेयर से हमारा ओवम सराउंडेड होता है, और जोना पिलुसिडा की ही लेयर वो लेयर है जिससे हमारा स्पर्म बाइंड होता है और फिर वहां से एंट्री होती है उसकी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, और इसका फंक्शन है कि हमारे स्पर्म की एंट्री में मदद करती है जोना पिलुसिडा, और फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। और जो पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी स्टूडेंट, ये जो तीन पोलर बॉडी फॉर्म हुई थी वो तीन पोलर बॉडी इंटीग्रेट हो जाती है एक ओवम के अंदर, और ये इंटीग्रेट होकर हमारे साइटोप्लाज्म में जाती है ओवम के, और ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर ये पोलर बॉडी मैचुरेशन में मदद करती है ओवम को, यानी उसके अंदर कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी आरएनए डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये डिवीजन के बाद रेप्लिकेशन में मदद करती है, सेल डिवीजन में मदद करती है, यानी कि ये आगे के प्रोसेसेस में हमारी जो ये पोलर बॉडी फॉर्म हुई है वो मदद करती है ओवम को। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा ओजेनेसिस का प्रोसेस, और ओजेनेसिस का प्रोसेस बहुत ही यूनिक है, और ये इसलिए यूनिक है स्टूडेंट्स क्योंकि आधा प्रोसेस तो हमारे फीटस के जब फॉर्म होता है तब हो जाता है, और आधा प्रोसेस प्यूबर्टी के वक्त होता है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, और इसके अंदर चार हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं, पर उससे सिर्फ एक ही ओवम फॉर्म होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह नहीं, यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म बनेंगे, यहाँ पर मिलियंस ऑफ एग नहीं बनते, यहाँ पर ओजेनेसिस से हमें सिर्फ एक ओवम मिलता है। और ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल प्रोसेस था जिसके अंदर ओगोनियम, प्राइमरी ओसाइट और मियोसिस वन और मियोसिस टू इन्वॉल्व रहते हैं। और फिर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम जिसके अंदर जोना पिलुसिडा लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्पर्म की बाइंडिंग में, और स्टूडेंट्स पोलर बॉडी हमें मैचुरेशन में मदद करती है ओवम को, और उसे आगे के एम्ब्रियोनिक डिवीजन के अंदर हेल्प करती है। तो ये था प्रोसेस ओजेनेसिस का और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट ओजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के बारे में क्लियर हो चुका होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।